नेपाल लोक के पास बनेगी देश की सबसे बड़ी भोजनशाला। रोज 1 लाख से अधिक श्रद्धालु कर सकेंगे भोजन। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में महाकाल महालोक के निर्माण के बाद दिन प्रतिदिन व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है। मंदिर में दर्शन व्यवस्था की बात हो या फिर इसकी सुरक्षा की, श्री महाकाल समिति ऐसे प्रयास कर रही है जिससे कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल के दर्शन से लेकर मंदिर के किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। आगामी जुलाई माह में बाबा महाकाल के भक्तों को भोजनशाला की एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। यह देश की सबसे बड़ी भोजनशाला होगी जिसमें लगभग 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकेंगे। श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री महाकाल लोक के पास एक भोजनशाला भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस भोजनशाला की खासियत रहेगी कि यह देश की सबसे बड़ी भोजनशाला होगी जिसमें प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख भक्त भोजन कर सकेंगे। करीब 40,000 वर्ग फीट में बनाई जा रही भोजनशाला पूरी तरह हाईटेक होगी जिसमें 4 करोड़ की लागत से इसमें भोजन बनाने की आधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी। जुलाई से शुरू हो सकती है भोजनशाला। खाना बनाने की लगभग 4 करोड़ की अत्याधुनिक मशीनों से लैस 2 मंजिला भोजनशाला की शुरुआत संभवत 1 जुलाई 2023 से हो जाएगी। बताया जा रहा है कि भोजनशाला में मशीनें खरीदने से लेकर इसके निर्माण तक सभी कार्य दानदाताओं की मदद से किया जा रहा है। मंदिर समिति को राष्ट्रीयकृत बैंक और दिल्ली के दानदाताओं के माध्यम से राशि प्राप्त हो रही है जिससे यह भोजनशाला पूरी तरह से अत्याधुनिक बनाई जा रही है।